जिस दिन वो कोर्ट वाला रूम सेशन हुआ था ना हम लोगों का, सारे के सारे एकदम महान बन रहे थे कि इसने नहीं किया होगा, सारे वोट मेरे अगेंस्ट आ गए, गिल्ट में मैं चला गया, पानी में डूब गया। लोग पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो पास्ट यहाँ पे खड़ा हुआ है अभी, ठीक है। जब चीजें थी आई लव यू वाली, तूने मुझे क्यों बोला कि मेरा दोस्त है सिर्फ, तो तुझे भी क्लियर करना चाहिए था ना कि मेरे साथ कौन सा? जब आई लव यू बोल रहे हो तुम एक दूसरे को। मैंने नहीं बोला, मैं वही तो बोल रही हूँ, मैंने नहीं भाई बोला। सामने सबूत खड़ा है अभी यार, वो बोल रहा है ना? मैं नहीं बोल रही हूँ। चल ठीक है, बस ये स्टेटमेंट बता दे मुझे, शो जीत के आओ देन प्रपोज मी। हाँ बोला है, क्योंकि तू उससे पहले मेरे से फ्लर्ट करता था। भाई फिर ये क्या हो गया? फिर ये जब आई तब तक शो में हार रहा था, तो फर्क होता है कि तब लगा ओ सचिन की गैंग जीत रही है, सचिन पे चला जाती हूँ, दिग्विजय गैंग जीत रही है, दिग्विजय पे चली जाती हूँ। अभी भी वही करती है। मैं एक्सप्लेन करती हूँ, जब मैं शो के अंदर गई, इसका ऑलरेडी नायरा के साथ चल रहा था, तो मेरा इसके साथ वैसे टर्म्स नहीं थे कि जिस हिसाब से मैं बोलूं उसको कि यार तुम दोनों का क्या चल रहा है, इसलिए मैं बैकआउट कर दी कि मैं नहीं बोलूंगी कुछ भी, क्योंकि मेरे इसके साथ कोई ऐसा सीरियस सीन था ही नहीं। बट उस दिन तो आपने बोला कि नायरा के साथ कोई सीन, मतलब नायरा गलत है। कब बोला मैंने ये चीज? जब कोर्ट रूम में नहीं बोली, बहुत आपने कोर्ट में चल रही थी सारी चीजें, उन्होंने बोला नहीं कि नायरा गलत है, नायरा तो झूठ बोल रही है, अभी आपके अंदर सीन चल रहा था। लाइव वाली वीडियो की बात हो रही थी, जो भी हुआ था उन दोनों का सीन चल रहा था, वो उसने भी एक्सेप्ट किया, उसने भी एक्सेप्ट किया, इसलिए मैं उन दोनों के बीच में नहीं आना चाह रही। इसके साथ मत बोलो मेरी चीजें चल रही है, ठीक है? हाँ यार बीच में बोल, मत बोल यार। हाँ यार सॉरी बोल सकता। अरे हम सॉरी यार, आकृति यार इसके साथ में बीच में नहीं बोलेगा। आकृति बोल रही है सॉरी यार, बातों के बीच में बोलना सिर्फ आकृति का हक है। यस